हेलो बच्चों, तो आज की क्लास जो है ये मेटल एंड नॉन मेटल की आखिरी क्लास है। और इस क्लास में हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है पहली तीनों क्लास आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो उसको दोबारा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। पहले अगर जरूरत हो तो आप लाइब्रेरी से वीडियो निकाल करके और आप देख सकते हैं। पिछली क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो लाइब्रेरी में अवेलेबल है और उस लाइब्रेरी से आप वीडियो निकाल करके आप बताएंगे ऑफिस में, तो लोग निकाल के आपको देंगे और उसको आप देख करके फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। सो आज की क्लास के लिए हमें क्या सीखना है? तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था पहले ये देखते हैं। पिछली क्लास में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात की थी और मेटल को एक्सट्रैक्ट किया था उसके सल्फाइड और कार्बोनेट कंपाउंड से। हमने पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया और ऑक्साइड के बाद रिडक्शन प्रोसेस से हमने मेटल ऑब्टेन किया था। रिडक्शन प्रोसेस कार्बन रिडक्शन था, इलेक्ट्रोलाइसिस था, इस सब से रिडक्शन करके हमने मेटल को ऑब्टेन किया था। बट जो मेटल हमने मिला है हमको वो प्योर नहीं होता। स्टील उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रहती है और इम्प्योरिटीज उसमें दो तरह की रहती है, एक सोल्यूबल इम्प्योरिटीज और एक इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज रहती है। तो हम उसको कैसे फिर से प्योर मेटल निकालें? उस प्योर मेटल को निकालने का और करने का, इम्प्योरिटीज को हटाने का हम तरीका को कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इस प्रोसेस को कहेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है ना? तो आइए बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब जितने भी हम तरीका है रिफाइनिंग का, बहुत सारे तरीका है, उन सब तरीका में से मोस्ट पॉपुलर है अभी जो आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ये एक प्रोसेस है जिसमें जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिस जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको हम इस प्रोसेस से इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग के जरिए प्योर करते हैं और रिफाइन करते हैं। जैसे कॉपर है ना, सिल्वर है, गोल्ड है ना, गोल्ड Au है ना, इस तरीके से जो है मैग्नीशियम है, ये ना, ये सब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और इनका हम इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कर सकते हैं। जिंक है, टिन है, निकेल है, इन सबको हम इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कर सकते हैं। ये सब मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है इसलिए इसको आप दूसरे मेथड से भी रिफाइन कर सकते हैं। ये सब जो होते हैं हार्ड होते हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, ये जो तीन चार आइटम आपको दिख रहे हैं, कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है, टीन है, निकल है ना, और गोल्ड है, इन सबको, मैग्नीशियम को छोड़ के, सबका एक हम रड बनाते हैं, रड जिसको रिफाइन करना है। तो जिस मेटल को रिफाइन करना है उसका एक रॉड बनाते हैं और उसको एनोड के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, और एनोड के फॉर्म में उसी रॉड का एनोड बना देते हैं। जो हमने पिछले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कहा था इलेक्ट्रोड्स, जिसको जो दो होते हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं और एक एनोड के फॉर्म में बना देते हैं इसको, और दूसरा एक कैथोड के लिए रड लगाते हैं, ठीक है ना? तो एक एनोड जो होगा वो क्या होगा, जरा इसमें देखिए, एक एक्सपेरिमेंट ये हम देखते हैं कि एक्टिविटी आपके बुक में भी लिखी हुई है। तो एनोड बना दिया, जैसे कि ये देखिए कि हमने कॉपर का एक एनोड बना दिया। एनोड किसका बनाया? कॉपर का। कॉपर को रिफाइन करना है तो हमने कॉपर का एक एनोड बना दिया। एनोड का मतलब पॉजिटिवली चार्ज। इसको इस बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से हम जोड़ देते हैं, पॉजिटिव चार्ज से जोड़ देंगे। तो पॉजिटिव चार्ज ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज से रखता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मिला, और पॉजिटिव चार्ज मिलने से क्या होगा कि इसमें से कॉपर निकल करके पॉजिटिव आयंस, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव आयंस निकलते हैं और निकल के इधर कैथोड की तरफ, कैथोड चूंकि निगेटिवली चार्ज है तो इधर जाके जमा होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रोड में से जो कॉपर है वो निकलेगा और कॉपर के साथ इम्प्योरिटीज निकल के इसमें डिजोल्व हो जाएगी, और जो इसमें इम्प्योरिटीज है, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होगी,
ये इस कॉपर का ही ये सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो कॉपर इसमें से निकल के इसमें जाके जमा हो जाएगा इम्प्योर कॉपर, और यहाँ से जो कॉपर इसमें से सॉल्यूशन में से जो निकलेगा प्योर वो जाके एनोड पे जमा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट तो वही रहेगा, उसके सॉल्यूशन में कॉपर उतनी ही रहेगी, और जो प्योर कॉपर होगा उस एनोड पे जा करके यहाँ पे जमा हो जाएगा, और जो कॉपर की स्कर्सिटी होगी, जो कॉपर मॉलिक्यूल्स इसमें कम होंगे सॉल्यूशन में, वो इस एनोड सप्लाई करेगा। तो जो इम्प्यूरिटी जो होगी वो इस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएंगी, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी, और जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे आके बर्तन की पेदी में जमा हो जाएगी, बॉटम में जमा हो जाएगा, जो इस पूरी इलेक्ट्रोलाइट जो पॉट है उसके बॉटम में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो एनोड के पास यह मड जमा हो गया, और जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो सोल्यूशन में चला गया, और प्योर कॉपर कैथोड पे जाके जमा हो गया। तो इस प्रकार कैथोड पे जो कॉपर जमा हुआ वो होगा पूरी तरह से प्योर, और ये प्यूरिफिकेशन हो गई, ये रिफाइनिंग हो गई। इस तरह से अन्य मेटल को भी रिफाइन किया जाता है। तो ये प्रोसेस है रिफाइनिंग का। तो रिफाइनिंग इज ए प्रोसेस, रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज ए प्रोसेस टू रिमूव सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल इंप्यूरिटीज विच इज ऑब्टेंड आफ्टर वेरियस प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीजें आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, है ना, कि इसमें से जो मेटल ऑक्साइड में से मेटल को जो हमने रिडक्शन प्रोसेस से, वेरियस रिडक्शन प्रोसेस से, चाहे वो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस था या कोई और रिडक्शन प्रोसेस, उस प्रोसेस से इलेक्ट्रोलाइसिस भी था, इस रिडक्शन प्रोसेस से जो हमें मिला है मेटल, जो मेटल ऑक्साइड में से, उसको फिर से रिफाइन करना जो है, उसको उसमें से इंप्यूरिटीज को निकालना रिफाइनिंग प्रोसेस कहलाता है, और ये प्रोसेस है रिफाइनिंग का। तो रिफाइनिंग प्रोसेस जो है मेटल का ऐसा, ठीक है। तो ये मेटल का, ये इम्प्योर मेटल का एनोड बनता है। ध्यान रहे कि ये जो होता है एनोड वो होता है इम्प्योर मेटल का, और कैथोड जो होता है वो होता है प्योर मेटल का। तो ये इम्प्योर मेटल का होता है, इम्प्योर मेटल का कैथोड होता, एनोड होता है, और प्योर मेटल का कैथोड होता है, और इसी पे और ज्यादा मेटल जमा हो जाता है तो प्योर मेटल इसमें बढ़ते जाएगा, और इसमें से इम्प्योर मेटल जो है वो धीरे धीरे इसमें से निकलता जाएगा। तो इसमें से निकलेगा, निकलेगा इसमें से और इसमें जुड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनती है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज ए प्रोसेस इन विच इम्प्योरिटीज विल बी रिमूव अंडर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, और ये इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कहलाता है। और इसमें उस जिस मेटल को आपको इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस से रिफाइन करना है, उसी के साल्ट को, कोई भी साल्ट को हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, रिएक्शन जो हो रही है वो बेसिकली ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे एनोड पे, एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है कि कॉपर जो है ये इम्प्योर कॉपर है, यह है इम्प्योर विथ इम्प्योरिटीज, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये प्लस टू चार्ज बनाएगा और दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये प्लस टू चार्ज बनाता है एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कॉपर में दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले हैं तो इसलिए प्लस टू चार्ज बनाया है। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉपर का है वो प्लस टू चार्ज बना है, ठीक है। और ये एनोड पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे
यहाँ पे Cu प्लस टू है यानी, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो फिर ये कॉपर बन जाता है। तो यहाँ पर भी कॉपर होता है, लेकिन ये कॉपर जो होता है वो होता है इम्प्योर है ना, और ये कॉपर जो होता है वो जाता है प्योर। तो इस तरीके से इम्प्योर से प्योर तक कन्वर्ट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से इसको इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। और ये इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसफर होता है यानी कैथोड से एनोड तक जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो मड के रूप में नीचे डिपॉजिट हो जाता है एट द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पॉट, और जो सोल्युबल इम्प्योरिटीज होता है वो इस सॉल्ट सॉल्यूशन में यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। अब हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, कोरोजन। कोरोजन एक केमिकल प्रोसेस है, चैप्टर के शुरू में ही हमने बताया था, या कोरोजन, ठीक है ना। तो कोरोजन, कोरोजन क्या है? इस प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है, कोरोजन इज ए केमिकल प्रोसेस, कोरोजन इज ए केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, दोनों केमिकल रिएक्शन में पहले बताया है, ये कोरोजन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच मेटल इज ईटिंग अवे, मेटल इज ईटिंग अवे विथ रिएक्शन ऑफ मेटल, विथ रिएक्शन ऑफ मेटल तो है ही है, एयर एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, एयर एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये होता है कोरोजन। अब इस कोरोजन में होता क्या है कि जो ऊपर इसके है मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाता है, और लेयर बनने से जो होता है वो धीरे धीरे मेटल का कुछ पार्ट उसमें ऑक्साइड के रूप में फॉर्म हो जाता है, धीरे धीरे वो ब्राउनिश कलर का, कहीं ग्रीनिश कलर का, और अलग अलग कलर का मेटल पे डिपेंड करता है, और वो धीरे धीरे उसको कोरोजन से इरोड होता रहता है, उसके ऊपर लेयर जो है वो इरोड होता रहता है, और धीरे धीरे वीक होता जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, और फाइनली वो बहुत वीक हो जाता है, तो खत्म हो जाता है। इनफैक्ट उसके वेट में भी कमी होगी, उसके स्ट्रेंथ में भी कमी होगी, तो इसीलिए ईटिंग अवे शब्द का इस्तेमाल किया गया, ईटिंग अवे प्रोसेस है ना, धीरे धीरे, इट इज ए स्लो प्रोसेस। सो कोरोजन इज ए स्लो प्रोसेस, इट इज ए स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता, ये सालों में होता है, और कई साल में, इन द इयर्स, सर्टेन इयर्स मेटल्स आर कोरोडिंग विथ टाइम अंडर द स्किन कंडीशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आप कह सकते हैं कि जैसे कोरोजन में क्या होता है, आयरन के ऑक्साइड बन जाते हैं, ठीक है ना, कोरोजन इन आयरन, आयरन के ऑक्साइड बन जाते हैं, कॉपर में जो ग्रीन लेयर है वो जमा हो जाता है, सिल्वर जो है वो ब्लैक हो जाता है। तो इन सब के एक स्पेसिफिक नाम है, जैसे आयरन में अगर हो रहा है ये रिएक्शन, कोरोजन हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अगर यही हो रहा है मान लीजिए सिल्वर में, तो उसको कहते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। इस तरह से अगर ये कॉपर में हो रहा है तो हम कहेंगे ग्रीन कोटिंग, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, एंड ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग ऑन ऑफ कॉपर, ठीक है। ये सब हमने पहले चैप्टर में बता रखा है, और यहाँ पे भी आप चाहें तो बता सकते हैं कि टार्निशिंग ऑफ आयरन एंड ग्रीन कॉपर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर
एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर एंड डस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब एरोजन के क्रोजन के एग्जाम्पल है। ये क्रोजन के सारे एग्जाम्पल है और ये केमिकल प्रोसेस है। जैसे आयरन है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और बना देता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये फेरिक ऑक्साइड बनता है, दो आयरन है तो इधर दो कर दिया, इधर तीन ऑक्सीजन है तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो छह हो गए, इधर तीन से मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस हो गए, ये बन जाता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है ना। फेरिक ऑक्साइड ये बन रहा है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और इसी को कहते हैं क्या है, ये है रस्ट, ऊपर लेयर हो जाता है। तो इस तरह के रस्टिंग प्रोसेस होती है और इस रस्टिंग प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। तो अब सवाल है कि कोरोजन से बचने का क्या उपाय, क्या हम इससे जो हमारा मेटल है इसमें नियर एंड टियर होता है, तो इसे बचने के लिए दो तीन तरीके हैं। एक है इसके ऊपर एक ऐसी लेयर चढ़ा दी जाए जिससे कि ये जो एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में वो एक्सपोज होना ही बंद हो जाए, और जो लेयर चढ़ाई जाए उस लेयर का ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो, तो उस प्रोसेस को कहते हैं जो कोटिंग ऊपर से की जाती है उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं कि गैल्वेनाइजेशन। अब इसमें कोट किसका करेंगे, तो जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक का एयर से रिएक्शन कम होता है और इसलिए जिंक की कोटिंग करते हैं। कैसे करते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। इट इज ए प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए थीन लेयर, ए थीन लेयर ऑफ जिंक, ए थीन लेयर ऑफ जिंक, थीन लेयर ऑफ जिंक, प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए थीन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील इन मोल्टेन स्टेज, मोल्टेन इन मोल्टेन स्टेज, इन मोल्टेन स्टेज क्या करते हैं, बाय डिपिंग, डिपिंग मेटल इन सॉल्यूशन ऑफ, इन मोल्टेन स्टेज, मोल्टेन सॉल्यूशन ऑफ, इन मोल्टेन सॉल्यूशन ऑफ जिंक, ठीक है। अब जिंक है, जैसे मान लीजिए कि ये जिंक है किसी बर्तन में, ये जिंक जो है मोल्टेन स्टेज में है, इसमें आयरन के रड को डीप कर दिया जाए तो क्या होगा, तो इस पे एक जिंक की लेयर जम जाएगी। तो ये जो आयरन रड है आपका और या कोई पॉट है, ये इसके ऊपर जिंक की एक लेयर जम गई, और चूंकि ये लेयर जम जाने से ये जो एयर में एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो रहा था वो एक्सपोज नहीं हो रहा है, और चूंकि वो एक्सपोज होना बंद हो गया इसलिए, एक्सपोज होना बंद हो गया इसलिए जो कोरोजन है वो रुक जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजिंग का, जो जिंक की मोल्टेन स्टेज में यानी जिंक के जो लेयर्स है वो चढ़ाने के लिए हम मेटल को उसमें डिप कर देते हैं, डिप कर देने से ऐसा हो जाता है। दूसरा प्रोसेस सब भी है, वो क्या है दूसरा प्रोसेस, तो एलोइंग, एलोइंग कर देते हैं मेटल को, एलोइंग इसलिए कि एलोइंग करने से, एलोइंग कर देते हैं, इसमें क्या होता है कि टू मेटल्स आर मिक्सिंग टूगेदर, मिक्सिंग टूगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन टू फॉर्म एलॉय। और ये एलॉय की खूबी ये होती है कि ये कोरोजन से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर और जिंक मिला करके, कॉपर प्लस जिंक मिला देने से बन जाता है ब्रास, और ये ब्रास जो होता है ये यूटेंसिल्स बनाने के काम में आता है, और यूटेंसिल्स बन जाने से इसमें खाना पकाने और खाने में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर ऐसा ना हो और हम कॉपर के प्योर इस्तेमाल कर ले
तो उसमें इरोजन होगी और वो पॉइजनस हो सकता है, ठीक है ना। तो बर्तन भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा और पॉइजनस भी हो सकता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि आयरन में तो रस्टिंग होती है, स्टील अगर हो, स्टील में हम कार्बन मिला दें, आयरन प्लस कार्बन मिला दें, तो ये हो जाता है स्टील। स्टील बन जाता है किसमें, तो आयरन प्लस कार्बन, कार्बन इसमें ज्यादा मिला देते हैं तो ये बन जाता है स्टील। तो स्टील का गेट, स्टील की बालकनी में रेलिंग और स्टील के बर्तन बनते हैं और उसमें क्रोजन नहीं होता, वो रिएक्शन नहीं करता एटमोसफेयर के। आपके घर में स्टील की थाली होगी, चम्मच होगी, बहुत सारी प्लेटें होती है, इवन की प्रेशर कुकर होता है, ऐसा थोड़े ना है कि महीनों या सालों रखने के बाद वो बर्तन खराब हो जाता है, उसमें क्रोजन हो जाए या उसमें कोई लेयर जम जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है जो कि हम दो मेटल को मिक्स करके बनाते हैं। दो से ज्यादा मेटल भी मिक्स किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दो ही मेटल मिक्स किया जाए, कई बार दो से ज्यादा मेटल भी आपस में मिक्स किए जाते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील बनाए, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील बनाए, स्टेनलेस स्टील, तो इसमें आयरन के अलावा निकल मिला देते हैं और क्रोमियम भी मिला देते हैं। आयरन, निकल और क्रोमियम तीनों मिला करके स्टेनलेस स्टील बनता है। आयरन प्लस निकल, निकल और क्रोमियम, क्रोमियम मिला करके स्टील बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील। तो ये स्टेनलेस स्टील जो होता है इसी के बर्तन होते हैं बेसिकली। स्टील जो होता है उसका बनता है गाड़ियों में, चेचिस वगैरह बनता है या सॉफर बनते हैं इस तरीके के, ठीक है ना। तो वो स्टील बनते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी उसकी जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। और मशीन के पार्ट्स बनते हैं वो स्टील होता है, और स्टेनलेस स्टील जो होता है वो हमारे घरों में बर्तन होता है उस तरीके का। तो एक है एलोय करना, एलोय बनाना, एलोय बना देते हैं दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू मेटल्स मिक्स टुगेदर इन डिफरेंट वे एंड दे विल फॉर्म एन एलोय। और उस एलोय का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये होता है कि कोरोजन से प्रिवेंट कर सके। कई बार एलोइंग जो होती है वो बहुत जरूरी होता है, जरूरी इसलिए होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बन सकती, बड़ा ही सॉफ्ट होता है गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब गोल्ड की जो प्योरिटी है वो कैरेट के रूप में मेजर की जाती है, तो 24 कैरेट गोल्ड का मतलब ये हुआ कि वो 100% प्योर गोल्ड है। उससे जो ऑर्नामेंट्स बनाना बहुत मुश्किल होगा, उसका वो इतना सॉफ्ट होता है कि स्ट्रेंथ उसमें नहीं रहेगी और जिधर से देखो उधर से मिल जाएगा। इसलिए उसमें क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, और इम्प्योरिटीज क्या मिलता है उसमें, या तो सिल्वर मिला देते हैं या कॉपर मिला देते हैं। और अगर 22 कैरेट, 22 कैरेट गोल्ड कहते हैं, इसका मतलब है कि उसमें 22 पार्ट जो है वो गोल्ड है और 2 पार्ट जो है वो या इधर सिल्वर है और कॉपर है। इसी तरह से किसी किसी एलॉय में मरकरी मिलाते हैं, तो जिस एलॉय में मरकरी मिला देते हैं उसको हम कहते हैं एमालगम। क्या कहते हैं? एमालगम, जिसमें हम मरकरी मिला देते हैं एज ए वन ऑफ द मेटल, तो उसको हम कहते हैं एमालगम। और इस का मिलाने का क्या फायदा होता है कि इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो थोड़ी लो हो जाती है, ठीक है ना। तो एमालगम एक शब्द होता है, एमालगम, ठीक है, ये होता है। इसमें एक चीज जो होता है वो क्या होता है, मरकरी इज वन ऑफ द कंपोनेंट, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एलॉय, कंपोनेंट ऑफ एलॉय, ये हमने सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया है, इसको हम कहते हैं एलॉय। और इसको मिलाने से क्या होता है, उस एलॉय की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो बिलो हो जाती है, लो हो जाती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एमालगम इज लेस देन इट्स प्योर मेटल, ठीक है ना। ये कहीं जरूरत पड़ती है इसलिए इसको हम करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब फ्यूज वायर जो बनता है वो भी क्या है, लेड और टीन का एलोय है, उससे बनता है, इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाती है।
मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाने से जब भी हमारे घर में बहुत ज्यादा ओवरलोड होता है तो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट कर जाता है तो सर्किट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और सर्किट ब्रेक होने से जो हमारे घर के इक्विपमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, टीवी फ्रिज जैसे इक्विपमेंट्स, माइक्रोवेव एक्सेट्रा, तो ये सब जो है वो डैमेज होने से बच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हाई वोल्टेज हो या जब ज्यादा ओवरलोड हो, ज्यादा यूज हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में फ्यूज जो है वो ब्रेक होने का काम करता है। तो फ्यूज वायर भी क्या है, एक तरह का एलॉय है। किससे बनता है, टीन और लेड से बनता है। आइए आइए फिर एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं कि ऐसा कोरोजन क्यों होता है। आप तीन ट्यूब लीजिए और तीन ट्यूब में, इस तीनों में आयरन नेल्स डाल दीजिए, एक में थोड़ा पानी डाल दीजिए, और इतना कि आयरन नेल्स पूरी तरह से डूबे ना, थोड़ा वाटर, ताकि थोड़ा वाटर के कांटेक्ट में रहे और थोड़ा एयर के कांटेक्ट में रहे यहाँ पे, तो ऐसे में। और दूसरा जो है वो पूरी तरह से वाटर में डाल दीजिए, और इतना कि आयरन नेल्स पूरी तरह से डूब जाए, मर्च हो जाए, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। ऑयल ऑयल का डालेंगे तो ऑयल जो है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो ये ऊपर आके तैरेगा और ऊपर इसको सबसे ऊपर के लेयर एक बना देगा। तीसरा एक करें जिसमें ये कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ डाल दें, और कैल्शियम क्लोराइड डाल दें और आयरन नेल्स डाल दें, और इसमें वाटर ना डालें। तो क्या हुआ, इन तीनों ही एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि पहले में, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे तो पहले में यहाँ जंग लग गया, ये रस्टी आयरन हो चुका, जो पानी से बाहर है वो रस्ट हो चुका, उसमें जंग लग चुके हैं। क्यों जंग लग चुके हैं, क्योंकि ये एक्सपोज था एयर के साथ भी और वाटर के साथ भी, तो एयर और वाटर दोनों मिलकर के, यानी एयर और मॉइस्चर दोनों मिल रहा है, इसलिए रिएक्शन करके ये फेरिक ऑक्साइड बना दिया, और ये फेरिक ऑक्साइड बन जाने से ये जो है वो कोरोजन हो गया, और कोरोजन एक लेयर ऊपर जमा हो गया, एक ब्राउनिश कलर का लेयर जमा हो गया, और उस लेयर के जमा होने की वजह से ये धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ लूज करेगा और वीक होगा, ऊपर से क्लियर निकलता जाएगा और धीरे 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 ये खत्म हो जाएगा। तो ये ईटिंग अवे प्रोसेस हो रही। दूसरे में वाटर के साथ तो ये पूरी तरह से एक्सपोज है, वाटर इसमें है, वाटर चारों तरफ से इसमें है, लेकिन एयर के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि ये जो ऑयल है ऊपर के लेयर में वो एयर से इसका कांटेक्ट होने नहीं दे रहा आयरन का, इसलिए यहाँ पे एयर कांटेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ वाटर के साथ एक्सपोज है। और वाटर भी किस तरह का है, डिस्टिल वाटर है, बॉयल्ड वाटर और डिस्टिल वाटर एक ही चीज है, बॉयल्ड वाटर और डिस्टिल वाटर रखें, तो ऐसी में कोई इंप्योरिटीज नहीं होती, और इंप्योरिटीज नहीं है इसलिए ये कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एयर के बिना वाटर अधूरा है, एयर के बिना वाटर अधूरा है, और क्या डायलॉग हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, और ये थोड़े दिन बाद भी आप देखेंगे तो यहाँ कोरोजन नहीं होगा। तीसरा जो है, इसमें आपने वाटर ही नहीं डाला है, ड्राई एयर तो है, और एयर में जो मॉइस्चर है उसको ये कैल्शियम क्लोराइड जो है वो इसको सोक कर लेगा, और इस तरह से ये तब भी इसमें भी जंग नहीं लगेगा। तो जंग सिर्फ तभी लगेगा, कोरोजन सिर्फ तभी होगा, रस्टिंग सिर्फ तभी होगा जब आयरन को ह्यूमिड एयर और वाटर दोनों, ह्यूमिड एयर मिले यानी ऐसा एयर जिसमें क्या हो, ऐसा एयर जिसमें मॉइस्चर भी हो, तो उसमें ये रस्टिंग प्रोसेस होगी। यहाँ पे एयर जो है वो ड्राई होता जा रहा है, जो भी मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट हो रहा है वो ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, सोक कर रहा है, तो ये ड्राई एयर के कॉन्टेक्ट में है, ये कॉर्क से तीनों को बंद किया गया है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि आपके पास भी अगर कोई इक्विपमेंट आती है, जैसे मोबाइल आता है, लैपटॉप आता है, या कोई सी चीज आती है, तो ऐसा ही एनहाइड्राइड कैल्शियम क्लोराइड का एक पैकेट उसके साथ आता है, ताकि अंदर में पॉकेट में कोई भी मॉइस्चर हो तो उसको वो एब्जॉर्ब कर सके और आपका इक्विपमेंट खराब होने से बच जाए। तो पैकिंग करते वक्त आप देखे होंगे, जब आपको मोबाइल का डब्बा आता होगा तो उसमें एक पुड़िया टाइप का रहता है, और यही चीज रहता है कैल्शियम क्लोराइड, वो ड्राइंग एजेंट है, तो किसी भी तरह का मॉइस्चर अगर उसमें डेवलप होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये प्रोसेस थी। अब सवाल ये है कि हम किसी को एलोय बनाते क्यों हैं, एलोइंग करने से क्या क्या फायदे होते हैं।
एलोइंग करने के फायदे क्या क्या है? पहली चीज, जैसा कि हमने बताया कि एलोइंग करने से कोरोजन, इट प्रिवेंट कोरोजन, है ना। पहला चीज क्या है, इट प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है, कोरोजन को प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट कोरोजन, साफ साफ लिख देता कोरोजन, ठीक है। दूसरा फायदा क्या होता है, इट, अभी आपको बताया कि गोल्ड का ऐसे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, लेकिन इम्प्योरिटीज बना दे मिला देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसलिए हम उसकी ज्वेलरी बना पड़ते हैं। तो इट इंप्रूव स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, मेटल का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा देता है, जैसे गोल्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाने से उसके ऑर्नामेंट बनाते हैं। तीसरा, इट रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिससे इसको किस में काम करता है, सोल्डिंग के रूप में काम करते हैं, सोल्डिंग, सोल्डर से कोई चीज सोल्ड करते हैं, आप जितने भी जाते होंगे टीवी की दुकान पे, रेडियो की दुकान पे, या ऐसे कोई इलेक्ट्रिकल, वहां पे सोल्डिंग होती है, तो सोल्डिंग के लिए मेल्टिंग पॉइंट लो होने से जो एलॉय यूज करते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उसे पास करते हैं मेल्ट होने लगता है, और जहां पे आपको सोल्ड करना है, जोड़ना होता है वायर को, वहां पे आप जोड़ पाते हैं, तो ये भी एक फायदा है। चौथा फायदा क्या है, कंडक्टिविटी, अब एलॉय की कंडक्टिविटी जो होती है वो पुअर होती है एज कम्पेयर टू मेटल, सो पुअर कंडक्टिविटी कहीं जरूरत पड़ती है, पुअर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ एलॉय एज कंपेयर टू प्योर मेटल, एज कंपेयर टू प्योर मेटल। पुअर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी हाई करने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट बनाने पड़ते हैं जहां हाई रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, इसलिए वहां पुअर कंडक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, तो ये भी एक फायदा है ना। तो इस तरह से हमें एलॉय बनाने से कुछ फायदे हो रहे हैं, और इस का फायदा जो है मेनली ये है कि कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए है। तो आप ये समझ गए कि कोरोजन से, कोरोजन क्या है, कोरोजन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं या एलॉय बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर थ्योरी पार्ट इसका खत्म हुआ। अब अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास से इसमें क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन के लिए आप इंतजार कीजिए, आज आपके कुछ काम दिया जाएगा, वो काम आप कर सकते हैं। एक काम ये है कि आप बुक से जितने भी ओर्स हैं जो मेटल है उनके ओर्स का नाम पता कीजिए, जैसे हमने बताया कि मरकरी के लिए सीनेबार, ओर का नाम क्या है, सीने, तो मरकरी के लिए सीनेबार है, और इसी तरह से एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट है, कॉपर के लिए कॉपर पाइराइट्स है, ठीक है ना। तो इन सब के फॉर्मूले आप याद करें और लिखें। आयरन के ओर का नाम है हेमेटाइट, और जो सोडियम है इसके रॉक सॉल्ट के नाम से इसका ओर होता है, और जो जिंक है वो जिंक ब्लेंड होता है, इसके ओर का नाम जिंक ब्लेंड है। लेड का जो ओर है उसका नाम है गैलेना। तो इन सब के लिए आप ओर का नाम याद रखें, मेटल के लिए ओर का नाम याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और साथ में इसके केमिकल फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो मैं ये लिख दूं क्या, चलिए लिख देते हैं इसको, एक लिस्टिंग कर देते हैं। वैसे तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लिख याद रहे तो अच्छा। तो हम सबसे पहले नाम लेते हैं मेटल, यहाँ लिख देता हूँ मेटल, उसके ओर का नाम और केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, ये हम बना देते हैं टेबल, बना ही रहे तो थोड़ा अच्छा बना दे।
है, इस तरह से। तो मेटल का आप नाम लिखते हैं और उनका मेटल का नाम एल्यूमिनियम, जैसे कि हमने बताया एल्यूमिनियम। दूसरा आयरन, एल्यूमिनियम का क्या है, बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैटाइट, ठीक है, हेमेटाइट, ये हेमेटाइट है। अब लेड का क्या बताया हमने, गैलेना, गैलेना। कॉपर का क्या बताया, कॉपर का कॉपर पैराइट, कॉपर पैराइट, कॉपर पैराइट, ठीक है। मरकरी का सीनेबार, सीनेबार, ठीक है। अब इनके फॉर्मूला आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एल्युमिनियम बॉक्साइट वो होता है Al2O3 × 2H2, ये होता है बॉक्साइट का। हेमाटाइट जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, ये है PbS, गैलेना, ठीक है ना। ये सोडियम जो है वो NaCl के फॉर्म में होता है, सोडियम क्लोराइड रॉक साल्ट। ये CuFeS2, ये है कॉपर पाइराइट। जिंक ब्लेंड ZnS, ये होता है HgS। तो ये सब चीजें अगर आप याद रखेंगे, वैसे ये एक्स्ट्रा है, नहीं भी याद रखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, याद रख लेंगे तो आपका एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा, कहीं आपको वैसे जरूरत तो नहीं पड़नी है, लेकिन अभी जरूरत नहीं पड़नी, आगे जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा और ऑब्जेक्टिविटी में ये काम आएगा। तो ये एक चीज है जो आप देख सकते हैं, है ना। अगर और आपके पास थोड़ा टाइम है तो एलॉय और उसके कंपोजिशन आप याद कर सकते हैं कि एलॉय कौन कौन से होते हैं जो हमारे डेली यूज में या हमारे आसपास इस्तेमाल होते हैं और उसमें क्या क्या मिला होता है, ये सब ऑब्जेक्टिविटी के लिए अच्छा चीज है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है कि इतना याद किया जाए, बट फिर भी तो इसके लिए भी एक टेबल बना देते हैं, है ना। तो इसके लिए भी एक टेबल बना देते हैं और टेबल एक और बना देते हैं इस तरह, एक और टेबल बना देते हैं और ये टेबल कुछ इस तरह का होगा। चलिए मार्कर से बोल देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये आ गया, कह सकते हैं एक और हमने बना दिया ऐसे, ये है एलॉय और कंपोजिशन, एलॉय और ये है कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या क्या मिला हुआ, ठीक है ना। तो कुछ एलॉय के नाम लिखते हैं, ब्रास, ब्रोंज, सोल्डर, स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, और ड्यूरेलमिन, और जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, सिल्वर इस तरीके का। उसमें क्या मिला होता है, तो कॉपर और जिंक मिला होता है। इसमें ब्रोंज में क्या मिला होता है, कॉपर के साथ टीन मिला होता है, टीन, ठीक है ना। इसके साथ क्या मिलता होता है, टीन के साथ लेड मिला होता है, जैसा कि हमने बताया। स्टील के साथ क्या मिला होता है, कार्बन, आयरन के साथ कार्बन मिला होता है, कार्बन, ठीक है। स्टेनलेस के साथ क्या मिला होता है, आयरन, निकेल और क्रोमियम, निकेल प्लस क्रोमियम, ये अभी आपको बता चुके हैं, है ना। इसी तरह से ड्यूरेलमिन के साथ क्या मिला होता है, ड्यूरेलमिन जैसा नाम ही है, एल्युमिनियम के साथ मिक्सिंग होती है। इसमें मिलते हैं एल्युमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीज प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, ये चारों चीज मिलता है, तब जाके ये बनता है कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये चारों चीज मिलते हैं। ये एयरक्राफ्ट बनाने के काम में आता है, एयरक्राफ्ट
जो बनाते हैं उसके साथ। तो जर्मन सिल्वर क्या होता है, इसमें कॉपर, निकेल और जिंक ये मिला करके जर्मन सिल्वर बनता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना, और इनकी यूटिलिटी आप खुद सोच सर्च करें और देखें और समझें। इसके अलावा गन मेटल भी होता है। गन मेटल क्या होता है, गन मेटल जो होता है इसमें कॉपर, टीन और जिंक मिला होता है। टीन और जिंक मिला होता है, नाम ही है गन मेटल। ये गन बनाने के काम में आता है। और गन के अलावा जो होता है वो स्कटिकल्स का फ्रेम जो बनता है वो बनता है, ताकि इसमें मजबूती भी रहती है और इसमें कोरोजन भी नहीं होता, जंग भी नहीं लगता। तो इसका नाम है गन मेटल। एक मैग्नेलियम होता है, मैग्नेलियम ये होता है एल्यूमिनियम, मैग्नियम प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये मिला के मैग्नेलियम बनता है। तो इस तरीके का कुछ जो है एलॉय है ये सब बनते हैं, और इनके नाम अगर आप याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा। इसके जो है मैग्नीलियम के ये किचन वेयर्स बनते हैं, जो किचन बहुत सारे आपके बर्तन हैं वो बनते हैं मैग्नीलियम का, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम मिला करके। इसी तरह से ये जो जर्मन सिल्वर है इसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है। आप जितने सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनती है वो तो जर्मन सिल्वर के बनती है। स्टेनलेस स्टील का मतलब समझ ही रहे हैं, ये कहीं पर भी बर्तन बनाने के लिए, मशीनरी पार्ट्स बनाने के लिए और ग्रिल वगैरह बनाने के लिए, दरवाजा बनाने के लिए, इस तरीके का बहुत सारा यूज है। कितना आप यूज इस्तेमाल करेंगे, ये जो होता है वो कारखानों में जो मशीनरी पार्ट्स होती है, जैसे बॉल बेयरिंग हो गई, इस तरह का पिस्टन हो गया, तो इस तरह का चीजें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो बता ही दिया कि फ्यूज वायर बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंज जो है कॉपर और टीन ये भी वायर के रूप में इस्तेमाल, इसके टैप वगैरह बनते हैं, ठीक है ना, और इस तरीके का ये इस्तेमाल होता है। और ब्रास का तो आप समझ ही रहे हैं, ब्रास का बहुत सारे यूटेंसिल्स बनता है और ये घरों में काम आता है, और इसके आर्मेचर वगैरह भी मिलते हैं कई बार कुछ कुछ जगह पे। हालांकि कॉपर ही चाहिए, लेकिन जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए वहां पे आप ब्रास का भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा इसमें जिंक मिलाते हैं। खैर ये अलग कहानी है, और ये सारी चीजें आप समझ गए। तो कुल मिला जुला के ये टॉपिक में इतना ही था, और हम जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन इसके अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से खुद रिवाइज कर लें, और जितना भी जानकारी इसमें दी गई है वो अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें, मेमोरी में रख लें, ताकि रिटेंशन रहे अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद क्वेश्चन करने का प्रयास करें खुद से। अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो हम आपको उसका जवाब देंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, अगली क्लास मिलते हैं, ठीक है, समझ आए ना।